महावतार बाबा कौन है, कहाँ रहते हैं और क्या सचमुच में ही वे 5000 सालों से जिंदा हैं? सचमुच महावतार बाबा का रहस्य बरकरार है? उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आदि शंकराचार्य को क्रिया योग की शिक्षा दी थी और बाद में उन्होंने संत कबीर को भी दीक्षा दी थी। इसके बाद प्रसिद्ध संत लाहारी महाशय को उनका शिष्य बताया जाता है। लाहारी महाशय ने अपनी डायरी में लिखा था कि महावतार बाबा जी भगवान श्री कृष्ण थे। योगानंद भी अक्सर जोर से बाबा जी श्री कृष्ण कहकर प्रार्थना किया करते थे। परमहंस योगानंद के दो शिष्यों ने कहा कि महावतार बाबा जी पूर्व जीवन काल में कृष्ण थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंदिर लाइव इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय श्री कृष्णा। महावतार बाबा की एक गुफा भी है। महावतार बाबा की गुफा आज भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में कुकुछिना से 13 किलोमीटर दूर दुनागरी में स्थित है। कुकुछिना के निकट पांडुखोली में स्थित महावतार बाबा की पवित्र गुफा तमाम संतों और महापुरुषों की ध्यान स्थली रही है। फिल्म अभिनेता रजनीकांत और जूही चावला भी बाबा की गुफा के दर्शन को आते रहे हैं। ये माना जाता है कि महावतार बाबा जी शिवालिक के इन पहाड़ियों में रहते हैं और बहुत से योगियों को उन्होंने यहीं दर्शन भी दिए। चलिए अब बात करते हैं बाबा से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में। परमहंस योगानंद ने बाबा से जुड़ी दो घटनाओं का अपनी किताब में जिक्र किया है। योगानंद ने लिखा है कि बाबा जी एक बार रात में अपने शिष्य के साथ धुने के पास बैठे थे। धुने में से एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर बाबा जी ने एक शीशे के कंधे पर दे मारी, जिसका शिष्यों ने विरोध किया। तब बाबा ने बताया कि ऐसा करके मैंने आज होने वाली तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया है। इसी तरह की दूसरी घटना का जिक्र करते हैं। योगानंद लिखते हैं कि एक बार बाबा जी के पास एक व्यक्ति आया और वह बाबा जी से दीक्षा लेने की जिद करने लगा। बाबा जी ने जब मना कर दिया, बाहर से कूद जाने की धमकी दी थी। बाबा जी ने कहा कि जाओ कूद जाओ और वह व्यक्ति तुरंत ही कूद गया। ये दृश्य देख वहाँ मौजूद लोग सकते में रह गए। पहाड़ी से नीचे जाओ और उसका शव लेकर आओ। शिष्य उसका शव लेकर आ गए। शव शतविशत हो चुका था। बाबा जी ने शव के ऊपर जैसे ही हाथ रखा, वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगा और जिंदा हो गया। तब बाबा ने कहा कि ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी, आज से तुम भी मेरी टोली में शामिल हुए। एम गोविंदन के अनुसार बाबा जी के माता पिता ने उनका नाम नागराज रखा था। वे 30 नवंबर 203 ईसा को श्रीलंका में जन्मे थे। ये जानकारी योगी AASAA रमैया और VT नीलकंठन को 1953 में बाबा जी नागराज ने दी थी। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म तमिलनाडु के परान की पेट्टई में हुआ था और उनके गुरु का नाम बोगर था। ऐसे महासंतों को मेरा सच सच प्रणाम है। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।